अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हो जी? वेलकम करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। यार सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, तो सुबह क्या दोपहर ही हो गई है, तो अभी खाना खाने लगे हैं। तो ये जी हमें मिला दाल घिया, और साथ में ना हमें मिला देसी घी लथपथ पराठा। तो यार सुबह सुबह ही खाने के लिए, वैसे मुझे ना ये खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा चलो यार फिर भी खाना तो पड़ेगा ही ना, जो मिल गया, क्योंकि हमारे लिए स्पेशल तो खाना आने नहीं वाला, इसलिए यही वाला खाना जो खाएंगे। तो खैर अब मैं ना इसको खा लेता हूँ, ये जो दाल घी आया था इसको खा पी के वेले हो गए। तो अब मैंने कहा यार गर्मी जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो चाय और अपना वो अपना रूटीन वाला गला बिस्किट आ गया, तो गला बिस्किट खाएंगे। खा पी के मैं वेला हो तो किचन में देखा मैंने ये नूडल्स पक रहे थे, तो मैंने कहा यार थोड़े से ये भी खा लेते नूडल्स, ये स्पेगेटी बन रही है, तो मैंने कहा चलो हम लोग भी खा लेते, हमने कौन से खाने वाली कोई चीज़ छोड़ देनी होती है। लेकिन फिर हम उसके बाद आ गए बाज़ार, बाज़ार में शॉपिंग शॉपिंग करनी थी, लेकिन यार इतनी गर्मी थी बाज़ार में आज फिर से। तो जी शाम होगी, बल्कि रात होगी, तो मैं अब निकला भाई कुछ खाने की तलाश में। तो मैंने कहा चलो यार जाकर कुछ ढूंढते हैं क्या खाने को हमें मिलता। तो जी अब हमें जाकर देखते हैं कि यहाँ पे ना अभी तो सारी दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन अभी खाने वाली कोई ना कोई खुली होगी, क्योंकि खाने वाली दुकानें रात लेट तक खुली होती हैं। तो ये अगर वैसे कुछ दुकानें खुली हुई हैं ये इस टाइम, लेकिन लोग बैठ नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। तो ये भाई के पास हम आ गए हैं बर्गर शवारमा कुछ खाने के लिए, लेकिन मैंने अभी शवारमा नहीं है भाई, बर्गर बर्गर बना रहे थे। तो मैंने कहा यार भी ना हम वेट करते हैं यहाँ पे, तो खड़े होकर मैं वेट करने लग गए यार यहाँ पर, मैं इस रोशनी के नीचे वेट कर रहा था। मैंने कहा चलो वेट करते हैं, और जैसे वो भाई फ्री होता ना तो हम लेते हैं अपने शवारमे बर्गर जो भी हमें मिलेगा। तो खैर मैंने ये शवारमे लगवा लिए अपने लिए, तो मैंने कहा चलो यार शवारमे मेरे लिए मेरे सारे खाएंगे, सारी फैमिली खाएगी ना। और साथ ही मैंने इधर से ले ली कुल्फियाँ शुल्फियाँ, तो मैंने कहा यार कुल्फियाँ ले गया, आइसक्रीम ले गया, चलते जाके इसको एंजॉय करते हैं। मैंने अपने लिए फेस्ट ली, मुझे फेस्ट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन दिन के टाइम चाय सुबह को जरूरी होती है, और रात को कभी कभी बंदा आइसक्रीम भी खा ले ठंडी, गर्मियों में बंदा खा लेता है इंजॉय करता है। और मैंने अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को इंजॉय कराया आइसक्रीम के साथ। तो ये यार ये कुल्फी जो थी ना इतनी मज़े की थी, आपको देख के भी मे भी मज़ा आ रहा हो कि ये कुल्फी जो थी ना इसका मज़ा आता है। ये देखो ये अरहम भी आइसक्रीम खा रहा है, तो अरहम ये कुल्फी को इंजॉय फुल कर रहा था, और ये भी आइसक्रीम खा रही है। इसको मैंने सस्ती वाली आइसक्रीम ले करी थी, खुद मैंने महंगी वाली ली थी, और हमने भी फीस ली थी। वैसे ये लाइक ही करती कि उसमें चॉकलेट हार्ड होती नहीं, इसलिए मैंने उसकी वाली लेके नहीं दी, इसको सिंपल ये वाली आइसक्रीम लेके दी है। वो मैं इधर बैठे हुए थे, बैठे गपशप में आ रहे थे, तो यहाँ पे अंकल का खुतबा शुरू हो गया, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में ना पड़ो। रब का कुरान कह रहे हैं फिरके च ना मरो, तो ऐ हुण जिहड़े लोग आंदे पे समझ लो एक ड्रामेटिक सारा सारा फ्रॉड है, ये किसी के कहने पर काम हो रहा है। मुसलमानों को आपस लड़ाने का एक नया एक ऐड, असी नहीं लड़ना, सारे असी मुसलमान कदों के हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया सानू उदों नहीं, अल्लाह ताला सानू अमल करने की तौफीक दे। तो जी ये भी कर रहा हूँ वीडियो को एंड, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।